हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। आज हम क्लास टेंथ का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट को पूरे एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। एसिड, हम सबसे पहले जो एसिड है उस एसिड की कुछ जनरल जो प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। एसिड वो सब्सटेंस है जिसका अगर हम टेस्ट की बात करें तो कैसा टेस्ट होता है एसिड का? खट्टा, यानी सार इन टेस्ट। ठीक है, एसिड आर सार इन टेस्ट। दूसरा, अगर हम बेस की बात करें तो बेस वो सब्सटेंस है जिसका अगर हम टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट कैसा हो उसका? बीटर टेस्ट। एसिड सार इन टेस्ट और बीटर क्या होगा अपने आप में? बेस क्या होगा अपने आप में? बीटर इन टेस्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा कड़वाहट होगा, आपने खाया होगा। जैसे एसिड की बात करें तो एसिड आपने लिया होगा, नींबू लिया होगा आपने, ठीक है, या आपने दही लिया होगा। तो जो भी सब्सटेंस है जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम एसिड बोलते हैं। और जो टेस्ट में कैसे होते हैं, थोड़ा कड़वाहट कड़वे जैसे टेस्ट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। अगर हम केमिकली कुछ देखें, कुछ केमिकली कंपाउंड की बात करें, तो हमारे पास केमिकली क्या होगा? एसिड की बात करें तो हमारे पास क्या है? जैसे HCl है, ये अपने आप में क्या होगा? एसिड है। इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा एसिड हमारे पास H2SO4, तो ये क्या हमारे पास? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम बेस की बात करें, बेस के कुछ उदाहरण है, तो हमारे पास जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये अपने आप में क्या होगा? बेस। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? क्षार। वैसे हमारे पास क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। याद रखिएगा MgOH का जो होल ट्वाइस है, इसे हम किसी कमर्शियल नेम यानी मार्केट में इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नेम से भी जाना जाता है। तो ये क्या था हमारे पास? कुछ एसिड और जो बेस हैं उनकी हमने क्या लिखी? कुछ जो जनरल प्रॉपर्टीज थी उसको हमने डिस्कस किया और कुछ हमने क्या देखे यहाँ पर? एग्जाम्पल देखे। अब क्लास टेंथ के एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो सबसे पहले यहाँ पर एक लिटमस सॉल्यूशन की बात की गई है। हम इस लिटमस को हम जल्दी डिस्कस कर लेते। थोड़ा लिटमस जो है अपने आप में जल्दी, इसको जो उपलब्ध किया जाता है, इसको जो प्राप्त किया जाता है वो लाइकेन से किया जाता है। लाइकेन अपने आप में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है? एक एल्गी होती है और एक क्या होता है इसमें? फंजाई। तो दोनों का, एल्गी एंड फंजाई का क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, सहजीविता इन दोनों में दिखाई जाती है। एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल, जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करता है और फूड प्रिपेयर करता है। और फंजाई की बात करें तो फंजाई क्या करता है? इसको, इस एल्गी को क्या करता है? यहाँ पर सपोर्ट देता है। तो दोनों के बीच क्या है? दोनों को फायदा होता है। तो इस तरह जिसमें दोनों स्पीशीज को क्या होता है? फायदा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, सहजीविता बोलते हैं। तो दोनों को क्या होगा? फायदा होगा। तो इसके इससे क्या किया जाता है? जो लिटमस सॉल्यूशन था उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा लाइकेन, ठीक है, क्या बोला हमने? लाइकेन। लाइकेन से क्या होगा? लिटमस सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा। लिटमस सॉल्यूशन भी हमारे पास दो तरह का आएगा। एक आएगा हमारे पास ब्लू, रेड लिटमस सॉल्यूशन, और दूसरा क्या था हमारे पास? ब्लू, नीला लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुछ एसिड को अगर हम लिटमस सॉल्यूशन से पहचाने जाए तो आपको याद रखना है ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। क्या कहा हमने? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी अम्ल जो होगा वो नीले लिटमस को किसमें बदल देता है? लाल में बदल देता है। तो ए भी याद रखिएगा। और इसके अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा अपने आप में? बेस, यानी जो क्षार होगा वो क्षार क्या होगा? इसके अपोजिट होगा। तो बेस की बात करें तो बेस जो होगा, ये जो क्षार है वो क्या करेगा? जो रेड लिटमस पेपर है उस रेड लिटमस पेपर को किसमें टर्न कर देगा? ब्लू में क्या कर देगा? टर्न कर देगा। ठीक है, बेस क्या करेगा? जो रेड लिटमस सॉल्यूशन है उस रेड लिटमस सॉल्यूशन को किसमें बदल देगा? नीले में क्या कर देगा? परिवर्तित कर देगा। तो ये जनरल है, लिटमस पेपर के प्रति हमने कैसा एक्शन देखा। ठीक है, या फिर हमारे पास एसिड का कैसा इफेक्ट होगा और जो बेस है उस बेस का कैसा इफेक्ट होगा। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, तो एक दूसरे के हैं, अपोजिट है। तो केमिकली लेबोरेटरी में आपको कोई केमिकल दिया जाए, आपसे कह दिया जाए, एक टेस्ट ट्यूब दिया आपको, उसमें एक एसिडिक सॉल्यूशन रखा हुआ है, टेस्ट ट्यूब बी में आपको बेसिक सॉल्यूशन रखा है, यानी अननोन सॉल्यूशन है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो याद रखिएगा केमिस्ट्री की लैब में कभी भी कोई भी जो सॉल्ट होता है उसको टेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो आपके बॉडी के लिए क्या हो सकता है? हार्म हो सकता है। तो हमेशा हम उसको क्या करते हैं? लिटमस सॉल्यूशन की सहायता से या अन्य कोई जो सब्सटेंसेस होंगे हमारे पास उनकी हेल्प से क्या करते हैं? इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था? जनरल एसिड और बेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर दो सब्सटेंसेस और दिए होंगे। एक होगा हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा हमारे पास फेनोप्थेलिन।
PHPHE, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। तो हमारे पास दो इंडिकेटर और हैं, एक होगा हमारे पास मिथाइल ऑरेंज और दूसरा क्या होगा हमारे पास फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज ठीक है, नाम से पता चला है किस कलर का होगा, ऑरेंज कलर का होगा। और जो फिनोफ्थलीन है ठीक है, ये भी क्या अपने हमें एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। फिनोफ्थलीन जो होता है जनरली बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, अपने आप में कलरलेस सॉल्यूशन है। अगर हम इसमें कोई बेस को ऐड करते हैं, कोई क्षार को क्या करेंगे इसमें मिक्स करेंगे, तो इसका जो कलर होगा वो कैसे हो जाता है, पिंक। और एसिड के साथ ही कोई भी कलर नहीं देता है। अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा है, ऑरेंज कलर है। अगर हम इसमें एसिड डालेंगे तो एसिड के साथ कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। और बेस के साथ क्या हो जाएगा, ये येलो कलर का। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज की बात कर रहे हैं तो एसिड एसिड के साथ कैसा कलर देगा, ये रेड कलर। और जो बेस होगा उस बेस के साथ कैसे कलर देगा, ये येलो कलर। तो ये क्या होगा हमारे पास, जो हमने दो इंडिकेटर और पढ़े, एक हमारे पास मिथाइल ऑरेंज और दूसरा क्या हमारे पास फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन एक सिंथेटिक यानी जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए इंडिकेटर है, जबकि जो लिटमस सॉल्यूशन है वो लिटमस के अपने आप में नेचुरल इंडिकेटर है। उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, कुछ और फैक्ट्री क्या होते हैं हमारे पास सब्सटेंसेस भी होते हैं, और फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होते हैं। जैसे हमारे पास अनियन होगा ठीक है, अनियन अनियन स्टेम है, अनियन के बीज है ठीक है। तो अनियन के बेस पे भी यानी प्याज जो होगा अनियन के बेस पे भी हम जो एसिड बेस होते हैं उन सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है। अनियन की बात करें तो अनियन क्या होगा, एसिड के साथ कोई भी कलर नहीं देता है। अनियन की बात करें हम तो एसिड के साथ नो स्मेल, एसिड के साथ इसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी। अगर हम इसमें बेस मिक्स करेंगे तो बेस के साथ क्या कर देगा, जो अनियन की स्मेल है उसमें आपने देखा होगा प्याज देखा होगा, तो प्याज में क्या होती है कि अजीब सी स्मेल आती है, तो स्मेल क्या हो जाती है यहाँ पर डिसअपीयर हो जाती है ठीक है। स्मेल क्या हो जाएगी इसकी, नष्ट हो जाएगी, या स्मेल क्या हो जाएगी इसकी, समाप्त हो जाएगी। वैसे हमारे पास जो क्लोव ऑयल है, क्लोव ऑयल भी क्या होगा हमारे पास, क्लोव ऑयल भी क्या अपने आप में एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, या रेड कैबेज है ठीक है, रेड कैबेज भी क्या अपने आप में एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। तो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस का यूज भी क्या करते हैं इसको, वनीला सेंस हो गया, वनीला सेंस भी क्या होता है, अगर हम उसमें एसिड डालते हैं तो एसिड में क्या होगा उसका जो स्मेल है उस स्मेल में कोई चेंज नहीं आता है, जबकि जो हमारे पास बेस देंगे तो बेस में क्या होगा उसकी जो स्मेल होगी वो क्या होगी, डिसअपीयर, या उसकी बेस जो स्मेल होगी वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये क्या थे हमारे पास कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, हमारे पास एक तो हमारे पास क्या होता है लिटमस सॉल्यूशन ठीक है, दूसरा क्या बोला हमने मिथाइल ऑरेंज, तीसरा क्या बोला हमने फिनोफ्थलीन। तो ये हमारे पास तीन इंडिकेटर्स थे, उसके अलावा क्या हमारे पास कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है यहाँ पर, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल ठीक है। सेकेंड जो टॉपिक है हमारे पास, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, यानी जो अम्ल और क्षार है वो मेटल एटम से कैसे रिएक्ट करते हैं ठीक है। तो जनरल टर्म्स है ठीक है, तो एसिड और बेस मेटल एटम से रिएक्शन करने के बाद किस टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसको हम डिस्कस करें। तो पहले हम एसिड की बात कर लेते हैं। एसिड, अगर हम एसिड को एक्टिव मेटल एटम से, याद रखिएगा जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो उसी मेटल एटम की बात करें हम, तो एसिड क्या होगा एक्टिव मेटल एटम से रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ठीक है। हमारे पास क्या होगा, एसिड प्लस मेटल, एम हम मेटल को लिख रहे हैं, तो एसिड प्लस मेटल इज इक्वल क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट बन जाएगा ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या होगा यहाँ पर रिलीज की जाएगी। एक इक्वेशन के बेस पर हम देख लेते हैं, जेड एन जिंक मेटल एटम ले लिया हमने, जिंक मेटल एटम को हम किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, जिंक का सल्फेट बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ से रिलीज की जाएगी ठीक है। तो ये क्या हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज है, अगर हम एसिड को मेटल एटम से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी वहाँ पर रिलीज की जाएगी। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है, अगर हम इसको हम किसी के साथ भी कोई भी एसिड लेना चाहें ठीक है, H2SO4 की जगह हम HCl ले सकते हैं ठीक है, एसिटिक एसिड ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एसिड क्या अपने आप में स्ट्रॉन्गर है या वीकर है।
और मेटल एटम के भी डिपेंड करता है। मेटल एटम क्या होगा, ज्यादा एक्टिव होगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर कहते हैं डायल्यूट H2SO4 का यूज करते हैं, डायल्यूट H2SO4 का यूज करते हैं। अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 ले लेंगे तो इस केस में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो उस केस में तो हमारे पास क्या है, कुछ कंडीशन भी है। तो जनरल टर्म्स में एसिड क्या होगा, मेटल एटम से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, हमारे पास जो बेस होगा वो बेस भी क्या करेगा, मेटल एटम से रिएक्शन करने के बाद क्या निकालता है, बेस मेटल एटम से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, हमारे पास सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज की जाएगी। तो हम इसी को लेते हैं, जिंक को, तो ZN+NaOH, ठीक है। तो सोडियम का क्या बनेगा, यहां पर जिंकेट Na2ZnO2+ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे पास सोडियम का जिंकेट है Na2ZnO2, तो इसे क्या बोलता हूं, सोडियम का जिंकेट। तो Zn+NaOH इज इक्वल टू Na2ZnO2+H2। तो ये हमारे पास क्या होगी, एसिड और बेस की क्या होगी, मेटल एटम से रिएक्शन होगी। तो ये जनरल टर्म्स हमने देखा। तो दो दो एग्जांपल एनसीईआरटी में जो यहाँ पर क्लास 10th के एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए गए थे उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिएक्शन तो हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो हम जनरली जो एनसीईआरटी में दी गई है उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला हमारे पास है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। हमारे पास क्या है, मेटल का कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, ये इसको मैं हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, इसी को क्या बोलता हूं, मेटल हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल के जो कार्बोनेट है वो एसिड और बेस से रिएक्शन करने के बाद किस टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एक इक्वेशन के बेस पे देखते हैं, जो एनसीईआरटी इक्वेशन दी गई है, हमारे पास मेटल का कार्बोनेट, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये Na2CO3 आपके इसी चैप्टर में पीछे भी आएगा। इसको क्या बोलता हम, वॉशिंग सोडा .10H2 होता है, तो इसे क्या बोला जाता है, वॉशिंग सोडा के नेम से इसको जाना जाता है। तो Na2CO3 प्लस हमने ले लिया, सपोज दैट एसिड ले रहे हम, पॉज करना पड़ेगा यहाँ पे, HCl सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl टू गिव, हमारे पास क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा, यहाँ से Na आएगा, यहाँ से क्या आएगा, Cl। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या हुआ, इसको गर्म, इससे क्या निकलेगा, जो CO3 है, इस CO3 से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अलग हो गया। प्लस अब हमारा क्या क्या बचा, यहाँ पर H बचा और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए 2 करना पड़ेगा यहाँ पर, तो प्लस क्या होगा हमारे पास, H2, ठीक है। क्या बोला हमने, मेटल यहाँ से क्या आएगा, Na, यहाँ से क्या आएगा, Cl, तो NaCl एक प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। उसके बाद इसके साथ H होगा, ये H क्या होगा, इस कार्बोनेट जो आयन होगा उस कार्बोनेट आयन से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम को क्या करेगा, अलग करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, H2 बन जाएगा, और यहाँ पर जो CO3 है उस CO3 से एक ऑक्सीजन चले गया, तो बचा हुआ क्या यहाँ पर, CO2 बच जाएगा। तो CO2 क्या होगा, यहाँ पर गैस के रूप में अलग हो जाएगा। तो ये क्या था हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराया, तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म किया जाएगा। वैसे अगर हमारे पास क्या होगा, मेटल का बाइकार्बोनेट है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं उसको हम, या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं उसको हम, प्लस HCl, इसको अगर हम HCl से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा, सेम टाइप की रिएक्शन है, ठीक है, सेम प्रोडक्ट भी है। तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl प्लस, यहां पर H है, यहां पर H है, तो 2H प्लस यहां से ऑक्सीजन आएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, H2O प्लस। अब बचा क्या हमारे पास, यहां पर एक ऑक्सीजन यहां से निकल गया, तो एक क्या, दो ऑक्सीजन यहां पर बचे हुए, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या, यहां पर CO2। तो ये क्या हमारे पास जनरल रिएक्शन आएगी, एक मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेंगे, सॉल्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, इसमें अलग हो जाएगा। तो ये क्या थे हमारे पास, इस ढंग से रिएक्शन है, ठीक है। जनरल लिखना चाहे, जनरल लिखना चाहे तो मेटल कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास क्या होगी, जनरल रिएक्शन होगी। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली हुई है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम टेस्ट करना चाहें, अगर इसको हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो हमारे पास वो रिएक्शन को भी लिख देता हम, तो CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलता हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2,
ठीक है, क्या बना हमारे पास कैल्शियम का कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा यहाँ से अलग हुआ, तो ये हमारे पास क्या होगा प्रोडक्ट होगा। और यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होने के बाद क्या बनता है कैल्शियम का कार्बोनेट। अभी जो कैल्शियम का कार्बोनेट है इसे क्या बोलते हैं मार्बल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनेगा, ये जो है ये क्या होगा कार्बोनेट जो आयन होता है CO3, हालांकि आपके सिलेबस से बियॉन्ड है, तो CO3 जो कार्बोनेट का टेस्ट भी कहलाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो लाइम वाटर होगा, लाइम वाटर में हम अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो उसका कलर क्या होता है मिल्कीनेस प्रोड्यूस कर देता है। कैसा कलर, मिल्की कलर प्रोड्यूस कर, मिल्कीनेस प्रोड्यूस करेगा। अगर मिल्कीनेस आई तो इसका मतलब क्या होगा उसमें गिवन जो सॉल्यूशन था उसमें क्या होगा कार्बोनेट आयन क्या होगा उपस्थित होगा या प्रेजेंट होगा। तो ये क्या था हमारे पास कार्बोनेट आयन का टेस्ट भी होता है, तो मिल्कीनेस आएगी, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जाएगा। अब देखो इसका दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है, इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी थोड़ा सा चैप्टर से मैं अलग होता हूँ। देखो हमारे पास क्या था, इससे पहले CaO+H2O, थोड़ा पिछले चैप्टर का भी रिवाइज कर देता हूँ पर, तो हमारे पास क्या बनेगा क्विक लाइम, याद रहा होगा पिछले जो रिएक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर में इसका मेंशन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सेकंड स्टेप पे किसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहे हैं कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3+H2O। अब यहाँ पर क्या होता है जो क्विक लाइम है, क्विक लाइम में हमने पानी मिलाया, ठीक है, वाटर को मिक्स किया तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है, स्लग्ड लाइम बन गया, इसे क्या बोला जाता है स्लग्ड लाइम। ये स्लग लाइन बना, स्लग लाइन में हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो CaCO3 बनता है। तो व्हाइट वॉश जो होता है आप देख रहे होंगे दीवारों पर जो पुताई की जाती है, दीवारों पर जो चूना लगाया जाता है वो इसी का कंपोजिशन होता है। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी मिलाते हैं तो स्लग लाइम बन जाता है। स्लग लाइम को फिर क्या होता है एटमोसफियर से वायुमंडल से क्या लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेने के बाद क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है जो व्हाइट पप ये जो बनता है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनता है ये व्हाइट जो पपड़ी जैसी बनी हुई है, ठीक है, वो किसकी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। और व्हाइट वॉशिंग के लिए इस सब्सटेंसेस का यहाँ पर यूज किया जाता है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम क्या करेंगे इसको बहुत और टाइम तक दिए थे CaCO3+H2O+CO2, अगर इसको हम लॉन्ग टाइम तक इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में अगर उसमें जो मिल्कीनेस आई थी उसमें अगर हम लॉन्ग टाइम तक देंगे तो इसकी जो मिल्कीनेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी डिसअपीयर हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, ठीक है, तो मिल्कीनेस क्या हो जाएगी डिसअपीयर हो जाएगी। तो ये क्या है यहाँ पर जो कार्बोनेट आयन है उस कार्बोनेट आयन के टेस्ट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये था हमारे पास कि मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट कैसे एसिड और बेस से रिएक्शन करते हैं, कैसे एसिड से रिएक्शन करते हैं, तो उसके प्रोडक्ट हम यहाँ पर फाइंड किए। अगला जो टॉपिक हमारे पास वो है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, कैसे अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, तो उसको देखते हैं। तो जनरली हमारे पास क्या होता है एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो एक दूसरे का जो प्रभाव होगा उसको क्या करते हैं नष्ट करते हैं। ये मान सकते हैं कि एसिड और जो बेस है वो एक दूसरे के एंटी होते हैं, ठीक है, एक का जो इफेक्ट होगा दूसरा क्या करेगा उसके इफेक्ट को क्या करेगा न्यूट्रलाइज करेगा। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं सॉल्ट बनाते हैं, और रिएक्शन में जो उनका इफेक्ट होता है एसिड का इफेक्ट होगा और जो बेस का इफेक्ट होगा वो क्या होगा काउंटर कर लेगा, एक दूसरे को क्या होंगे अपोजिट या न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। जनरल रिएक्शन लिखते हैं हम, एसिड हमारे पास क्या है HCl, बेस क्या लिया हमने NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, तो HCl+NaOH इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास NaCl+H2O, ठीक है। तो ये क्या एसिड NaOH क्या था हमारे पास बेस था, तो एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देगा अलग कर देगा। तो इसने क्या किया जो एसिड था एसिड ने बेस के जो प्रभाव था बेस के प्रभाव को क्या कर दिया समाप्त कर दिया। अब इनमें बात करें तो HCl भी क्या अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है प्रबल अम्ल है, एसिड क्या अपने आप में प्रबल है, HCl क्या अपने आप में प्रबल अम्ल है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH की बात करें तो ये भी क्या अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH भी क्या अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस है। तो याद रखिएगा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। उसे क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर रखते हैं, ठीक है, उदासनीकरण की अभिक्रिया। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है,
की रिएक्शन होगी तो वो क्या होगा अपने आप में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा न्यूट्रल प्रोडक्ट होगा। तो HCl plus NaOH is equal to क्या बनेगा हमारे पास NaCl plus H2O, तो सोडियम क्लोराइड से बना ये क्या होगा अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या है सॉल्ट है। ठीक है, तो इस ढंग से हमारे पास क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो एसिड और जो बेस होते हैं वो हम किस तरह के एसिड और बेस ले लें तो उसके हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीट बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीट बेस का अगर हम सॉल्ट बनाएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा मतलब जो सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट बनेगा उसका जो नेचर होगा स्लाइटली एसिडिक होगा। ठीक है, प्रोडक्ट एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहां पर क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो सॉल्ट बनेगा उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसको मैं पहले बता चुका हूं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये जो रिएक्शन होगी ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास इसका जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट क्या बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। इसका जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा अपने आप में न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, जैसे NaCl plus NaOH is equal to क्या बना था हमारे पास HCl plus NaOH is equal to क्या बना हमारे पास NaCl बना था। तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। अगर हम pH की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट है ठीक है इसका क्या है एसिडिक एसिडिक है तो इसका जो pH होगा वो 7 से क्या होगा थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, 7 से क्या होगा थोड़ा सा कम होगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो बेसिक सॉल्ट बनेगा तो इसका जो pH होगा वो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इतना भी नहीं कि 14 पहुंच गया, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा इसका जो pH होगा वो क्या होता बनेगा 7, क्योंकि 7 जो होता है हमारे पास वो क्या बनता है न्यूट्रल और 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या बनता है एसिडिक। 7 से कम वाला क्या होता है एसिडिक और 7 से ज़्यादा वाला क्या होता है हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या था हमारे पास हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, तो कैसे हमारे पास क्या होगा प्रोडक्ट बनते तो उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगला जो टॉपिक हमारे पास वो है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। तो यहाँ पर जो मेटलिक ऑक्साइड है वो लिया गया हमारे पास एनसीईआरटी क्लास 10 के एनसीईआरटी में जो इक्वेशन दी गई है उसी को हम डिस्कस करते हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन आ सकती हैं लेकिन क्लास 10 के अकॉर्डिंग जो हमें इक्वेशन दी गई है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है मेटलिक ऑक्साइड के हमारे पास CuO दिया गया है एनसीईआरटी में, तो क्यूपिक ऑक्साइड। ठीक है, या इसको लिखते हैं हम कॉपर सेकंड ऑक्साइड, स्टॉक नोटेशन है, एक वैज्ञानिक थे स्टॉक तो उनके नेम पे इसको लिखते हैं स्टॉक नोटेशन। तो CuO क्यूपिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको हम, प्लस सॉल्ट ले लिया हमने मान लो HCl ले लिया तो CuO plus HCl इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास इसका सॉल्ट बन जाएगा तो Cu क्या बनेगा Cl2 प्लस यहाँ पर H बचा यहाँ पर क्या हुआ O, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा H2O, तो ये टू मॉलिक्यूल ले लेंगे इसको हम तो CuCl2 प्लस H2। तो हमारे पास क्या होगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड अगर एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, तो क्रॉसपॉन्डिंग जो हम एसिड लेंगे एसिड के हिसाब से उसके सॉल्ट क्या होंगे फॉर्म होंगे। मेटल कौन सा ले रहे हैं हम, जैसे हमने कैल्शियम को मेटल ऑक्साइड, हमने कैल्शियम को ऑक्साइड लिया या सोडियम को ऑक्साइड ले लिया। ठीक है, एसिड कौन सा लिया तो उसके हिसाब से क्या बनेंगे हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। तो क्रॉसपॉन्डिंग एसिड और बेस के हिसाब से क्या होगा यहाँ पर सॉल्ट फॉर्मेशन। तो ये क्या था हमारे पास मेटल के ऑक्साइड कैसे एसिड और बेस से रिएक्शन कर रहे हैं तो उसको हमने यहाँ पर जनरल डिस्कस किया। अगले जो टॉपिक दिया गया हमारे पास रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस, नॉन मेटल के ऑक्साइड ले लेते हैं हम मान लो हमारे पास जो एनसीईआरटी में दिया गया उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर कौन सा दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटलिक कार्बन क्या है नॉन मेटल, इसके ऑक्साइड ले लिया हमने CO2 प्लस
नॉन मेटल ऑक्साइड बेस, ठीक, किसके साथ दिखाना हमें रिएक्शन, किसके साथ लिखनी है, बेसिक सॉल्यूशन के साथ। तो बेस ले लिया हमने कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH वोल्ट वाइज, इसको हम पहले भी ले डिस्कस कर चुके हैं इस इक्वेशन को। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम का कार्बोनेट तो CaCO3 प्लस H2O, तो ये क्या होगा हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, तो CO2 प्लस CaOH का होल्ड प्राइस टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करने के बाद किस टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हमने यहाँ पर रिएक्शन के रूप में देखा। तो ये क्या था हमारे पास, मेटल के ऑक्साइड भी दे दिए हमने, नॉन मेटल के ऑक्साइड भी दे दिए। तो ये हमारे पास क्या था, जनरल टर्म्स है कि मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड अगर रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो उसके हिसाब से क्या प्रोडक्ट फॉर्म किए जाएंगे। तो ये हमारे पास था। अगला जो टॉपिक हमारे पास वो है, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड और बेस को अगर हम वाटर सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, एसिड इन वाटर सॉल्यूशन और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, तो इसको डिस्कस कर हम। तो पहला डिस्कस कर लेते हम एसिड इन वाटर। एसिड हमारे पास जैसे HCl को ले लेता हम, HCl के अपने आप स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको पहले हमने बताया था। तो HCl को अगर हम आयनाइज करेंगे, HCl को अगर हम आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास HCl था, HCl को हमने क्या किया, आयनाइज किया। तो आयनाइज करने के बाद क्या हुआ, एच पॉजिटिव बनाएगा, इसको पावर के फॉर्म में लिख दो, तो एच प्लस यहाँ पर लिख दो, इसको पावर बनेगा, तो एच पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, इसे क्या बोलता हम, हाइड्रोजन आयन प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। अब जो हमारे पास H पॉजिटिव निकला हुआ है, ये H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है, हम इन वाटर कह रहे हैं, तो H2 हमने ले लिया, तो ये क्या बना देगा हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या बना हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको हम, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोनियम आयन बोल सकते हैं इसको। तो हमारे पास क्या था, एसिड, एसिड को हमने क्या किया, आयनाइज किया, तो H पॉजिटिव बना प्लस Cl नेगेटिव बना। फिर जो H पॉजिटिव था, H पॉजिटिव में H2O से रिएक्ट कराया, तो क्या बनाया हमने, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन बनाया। अगर हम कह रहे हैं एसिड है, ठीक है, कोई सब्सटेंस कह रहे हैं हमने एसिड है, तो एसिडिक कैरेक्टर हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो एसिडिक कैरेक्टर हम उसको प्रोटॉन लॉस करने की बेस पर देखते हैं। ठीक है, एसिड होगा तो एसिड क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, डोनेट करता है, एसिड डोनेट हाइड्रोजन आयन, क्या लिखेंगे हम, एसिड डोनेट H पॉजिटिव आयन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को देता है किसी सॉल्यूशन, वाटर में जनरली। अगर हमें एसिड का एसिडिक इफेक्ट देखना होगा तो हमें वाटर चाहिए, अगर एसिड ड्राई फॉर्म में है तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम पीएच पेपर में ले लें, पीएच ले लें, ठीक है, ड्राई पीएच पेपर ले लें, लिटमस सॉल्यूशन ले लें, तो उस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम वहाँ पर मॉइस्ट पेपर लेंगे, ठीक है, लिटमस पेपर अगर मॉइस्ट ले रहे हैं या सॉल्यूशन मॉइस्ट ले रहे हैं, तो तभी क्या होगा, इसका एसिडिक इफेक्ट देखा जाएगा, नहीं तो ड्राई फॉर्म में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो H पॉजिटिव आयन निकालेगा, और ये H पॉजिटिव आयन क्या होता है, जो लिटमस सॉल्यूशन होगा उस लिटमस सॉल्यूशन को क्या करता है, टर्न कर देता है, तो एसिड डोनेट H पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पर अलग अलग थ्योरी आती है साइंटिस्टों की, अरहेनियस थ्योरी है, ब्रॉनस्टेड थ्योरी है, लुईस एसिड बेस थ्योरी है, तो अलग अलग साइंटिस्टों की थ्योरी है, तो उसको आप हायर क्लास में पढ़ोगे। तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एसिड है, उसका हमने जनरल टर्मिनोलॉजी देखी कि एसिड क्या होता है, उसको हम कैसे वाटर में आयनाइज करते हैं। तो वैसे क्या हमारे पास बेस भी होगा, बेस हमारे पास NaOH, तो NaOH को अगर हम आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, NaOH वाटर ले लिया हमने, तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव एक्वस स्टेट प्लस OH नेगेटिव एक्वस स्टेट। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, NaOH आयनाइज किया हमने, इसको क्या बना, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये जो आयन्स होंगे, जो OH आयन निकला है, तो ये क्या करेगा, इसके बेसिक कैरेक्टर को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा, तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो क्या करेगा, उसका बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करेगा। तो ये क्या था हमारे पास, बेस। तो एसिड और बेस अगर हम वाटर मिक्स करते हैं तो क्या किया जाता है, आयनाइज किया जाता है, और अपने आयन को क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। तो ये था हमारे पास, एसिड और बेस को हमने वाटर में डिसोसिएट किया, तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिक सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन। हमारे पास जो दिया गया एसिड है, जो हमें दिया गया एसिड है, वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और दिया गया बेस हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उसको हम कैसे पहचानते हैं। तो एसिड और बेस का अगर हमें क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथ को पहचानना है, कि दिया हुआ एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होगा और दिया हुआ एसिड कितना
वीक होगा, या दिया हुआ बेस कितना स्ट्रांग है और दिया हुआ बेस कितना वीक है, तो उसको हम कैसे पहचानते हैं? पीएच पेपर लेते हैं हमारे पास एक, ठीक है, पीएच पेपर होता है। इस पीएच पेपर की सहायता से क्या करता हम, एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उसको हम पहचानते हैं। पीएच अगर हम फुल फॉर्म बात करें तो पीएच क्या है अपने आप में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज, पी का मतलब क्या है, पोटेंज, पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, पावर, और हाइड्रोजन, तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन की दिए हुए सोल्यूशन में कितनी सांद्रता है, तो उसके बेस पर हम उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या बताया हमने, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज क्या है, जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका मीनिंग क्या बताया हमने, पावर, ठीक है। तो 10 की पावर में, अभी इसको हायर क्लास में पढ़ोगे कैसे आता करके, तो हम जनरल बता देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, पीएच एक स्केल होता है जिसको हम 0 से 14 तक मेजर करते हैं, 0 to 14, ठीक है। कितने से होगा हमारे पास, 0 से 14 तक होगा, यहाँ पर हमारे पास 7 है, बीच में हमने 7 राइट कर लिया, तो 0 से 7 तक, 0 से 7 तक जो होता है वो एसिड होता है, मतलब 0 से 7 तक क्या होगा हमारे पास, एसिडिक जो सोल्यूशन होगा उसको एक्सप्लेन करेगा, और 7 से जो 14 वाली वैल्यू होगी वो किसके आती है, बेसिक सोल्यूशन को पहचानने का। और जो जिसका पीएच कितना होगा, 7 होगा, तो पीएच 7 वाले क्या होगा अपने आप में, न्यूट्रल होगा। पीएच जिसका कितना होगा, 7, तो पीएच 7 वाला क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। पीएच जिसका 0 होगा वो सबसे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या होगा अपने आप में, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसका पीएच कितना होगा, 14, ये क्या होगा अपने आप में, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम क्या करते हैं, पीएच 0, ये तो हमारे पास के एक स्केल है, तो उसमें दिए हुए सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, एस पॉजिटिव आयन कितना निकला हुआ है, तो उसके बेस पर हम उस सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन आयन की बात करें, तो मान लो जैसे हमारे पास ये, हमने स्केल ले रहे हैं ऐसे ढंग से, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, क्या कहा हमने, हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट किया जा रहा है। तो मान लो हमारे पास क्या था, एक बॉक्स जैसे बना देता हूं यहाँ पर, इतना बना ले मान लो, देखो तो यहाँ पर क्या होगा, जो एच पॉजिटिव आयन होगा ये सबसे ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम इधर 14 की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये 14 मान लो यहाँ पर कितना माना हमने, 0, तो 0 से 14 की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा होगा। तो इसको हमने मान लो इतना डार्क दिखाया, तो इसको हम इतना पोर्शन कर देते हैं, तो ये डार्क होगा, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्केल दे रखा है। तो हम पीएच की बात कर रहे हैं, तो पीएच क्या हमारे पास, यहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा, यहां पर क्या होगा, जितना 0 के पास होगा तो वो क्या होगा, उतना ज्यादा एसिडिक होगा, तो उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो आप इसको देख पा रहे होंगे, ये ग्राफ यहां से इधर की तरफ कम होते जा रहा है, धीरे 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 यहां पर 0 पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन यानी एस पॉजिटिव आयन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एड पॉजिटिव आयन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर 7 हमने क्या लिखा, यहाँ पर 7 लिखा, चलो हम पहले इसको देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर सबसे ज्यादा, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। अगर हम OH आयन की बात करते हैं, तो OH आयन यानी जो हाइड्रोक्साइड आयन है, जो क्या करता है, बेसिक सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करता है, तो OH आयन क्या होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, इस एरिया में क्या होगा, OH आयन यानी जो हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और धीरे धीरे यहाँ से 14 पर सबसे ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन, और धीरे धीरे यहाँ से इधर की तरफ क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू क्या होगी, कम होती आएगी, कम होता है, कम होता है। तो इस पोर्शन पे आ जाए क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की, OH आयन की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। ये वाला जो पोर्शन होगा, ये जो 7 पर दिखा रखा हमने, इस 7 पर देखो जो ग्राफ है, ये जो एरिया है, इस एरिया के जस्ट बीच में दिखा रखा है। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर जितने मात्रा में हाइड्रोजन आयन है, जितनी मात्रा में एच पॉजिटिव आयन होगा, उतनी मात्रा में क्या होगा, यहाँ पर OH नेगेटिव भी होगा। दोनों की स्ट्रेंथ, दोनों का मतलब जितना एच पॉजिटिव होगा उतना OH नेगेटिव आया, तभी तो क्या करेगा, एक दूसरे का जो इफेक्ट होगा उसको क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो पीएच जिसका 7 होता है, तो वो उसको क्या बोलता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल क्यों बोला गया है, क्योंकि जितना यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, उतना ही क्या यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन भी उपस्थित होगा। तो ये क्या बनेगा, न्यूट्रल आयन। यहाँ से इधर की तरफ क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन, यानी जो पीएच 7 से कम होता है तो क्या बनता है हमारे पास, एसिडिक सॉल्यूशन, और पीएच 7 से ज्यादा होगा तो उसे क्या बोलता हूँ, बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा रहेगा, हाइड्रोक्साइड यहाँ पर सबसे मैक्सिमम, फिर इधर की तरफ कम होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा, और इधर की तरफ क्या होगा, कम होते जाएगा। तो यहाँ पर 0 हाइड्रोजन आयन होगा, और यहाँ पर कितना होगा, OH आयन क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या हमारे पास स्केल है, कि कैसे हम जो दिया हुआ सोल्यूशन है उसको हम एसिडिक और जो बेसिक सोल्यूशन होगा, तो उसको हम पीएच पेपर की बेस पर कैसे पहचानते हैं। तो पीएच अगर हमने कहा पीएच कितना है, मान लो पीएच कितना कहा हमने, 3 कहा, और पीएच कितना कहा हमने,
सिक्स कह दिया, तो पीएच 3 वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, ये क्या अपने आप में मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। पीएच जिसका 6 है उसकी तुलना में ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। हाइड्रोजन आयन देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन क्या होगा, ज्यादा होगा पर यूनिट वॉल्यूम में। मान लो हमने 1000 मिलीटर या 100 मिलीटर सॉल्यूशन लिया है तो उसमें हाइड्रोजन आयन यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन क्या होगा, कम होगा। तो इस ढंग से क्या करता हम, जो दिया हुआ सॉल्यूशन है उसमें हम एसिड और जो बेस होगा यानी एच आयन और जो ओएच आयन होगा उसको हम पहचानते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एनसीईआरटी में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन दिए हैं। सलाइवा दिया हुआ है, लेमन जूस दिया हुआ है, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक दिया हुआ है, कैरेट जूस दिया हुआ है, कॉफी, टोमेटो, तो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन दिए हैं। तो इसका पीएच आपको मेंशन करना है कि किसका पीएच कितना होगा। तो इसको हमने जो हमारे वीडियो है उस वीडियो में क्या करके हमने बना रखा है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे जो दैनिक जीवन है, प्रत्येक दिन एवरीडे जो लाइफ है उस एवरीडे लाइफ में जो पीएच है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक सर्टेन पीएच पर ही क्या करता है, वर्क करता है। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक ले लिया तो तब भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क सही ढंग से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, और बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, तो उसमें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितना 7 to 7.8, ठीक है, 7 to 7.8 तक का जो पीएच होगा, इस पीएच पे क्या करेगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा वर्क करता है, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो सर्टेन पीएच है, इस पीएच रेंज पर भी क्या होगा, हमारा बॉडी क्या करेगा, वर्क करेगा। अगर पीएच कम हो जाए, पीएच 5.6 से कम हो जाए तो वो क्या होती है, एसिड रेन होती है। अगर क्या कह रहा हूं, पीएच कितना हो जाएगा, 5.6 से पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मान लो इससे नीचे, तो वो क्या होगा, एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एसिड रेन होते कैसे, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होते हैं, तो SO2+H2 क्या बना देगा, H2SO3, तो ये क्या है, एसिड रेन है। SO2 कहाँ से आया, इंडस्ट्री से आया, जहां पर फैक्ट्री थी उन फैक्ट्री से क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, वाटर से रिएक्शन करने के बाद क्या बना दिया उसने, H2SO3 बना दिया। या वहां पर क्या था, NO2 था, तो NO2+H2O इज इक्वल क्या बनता है, या तो नाइट्रस एसिड बनेगा या क्या बनेगा हमारे पास, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड दोनों तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहाँ पर भी SO2 भी निकल सकता है, यहाँ पर SO3 भी निकल सकता है, तो SO3+H2O क्या बनेगा, H2SO4, तो ये क्या होती है, एसिड रेन होती है, ये क्या होती है, एसिड रेन। तो इस ढंग से क्या होता है, हमारा जो पीएच होगा और जो एसिड रेन है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगला जो हमारे पास पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच चेंज है कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी अगर पीएच चेंज होता है तो पीएच चेंज होने से जो हमारे दांत है उन दांतों पर क्या इफेक्ट जाता है, तो हमारे जो टूथ है उन टूथ पर क्या इफेक्ट होगा। तो पीएच हमारा जो माउथ है उस माउथ में जो टीथ है वो टीथ क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बने रहते हैं। टीथ किससे बने रहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट सब्सटेंस जो है उससे बने रहते हैं। और हमारी बॉडी का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो क्या है, इनामल, ठीक है, इनामल, टूथ इनामल, ये क्या होता है, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से हमारे टीथ बने रहते हैं। अगर यहाँ पर भी पीएच क्या होगा, कम हो जाए, अगर हम ज्यादा, बहुत ज्यादा आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर हम कुछ ज्यादा एसिडिक, नींबू ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं या कोई भी एसिडिक सब्सटेंस ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारे दांत में क्या होता है, दर्द होने लग जाता है। तो वहां पर क्या होता है, अगर पीएच एक सर्टेन पीएच से 5.6 से अगर कम आने लग जाए तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारा टूथ है वो टूथ क्या होता है, डिके होना स्टार्ट कर लेते हैं, यानी उसके क्या होता है, कोरोड होने स्टार्ट कर लेते हैं। एसिडिक है तो एसिडिक में क्या होता है, जो मेटल एटम है वो मेटल क्या होता है, वहाँ पर कोरोड होने स्टार्ट कर लेते हैं, तो हमारे टूथ क्या होता है, डिके होना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर्टेन पीएच में क्या करते हैं, हमारे माउथ जो है उस माउथ का पीएच बना रहता है, अगर उससे ज़्यादा पीएच कम हो जाए, मतलब पीएच की वैल्यू जैसे कम हो जाए, कम होने का मतलब 3, 4, 2 इस ढंग से कम हो जाए, ठीक है, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाए, एच पॉजिटिव आयन बढ़ जाए और पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारा टूथ क्या होता है, डिके होते हैं। तो अगर हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या करता है, हम ब्रश करते हैं, ब्रश करने में क्या होता है, ब्रश करते हैं तो उसमें जैसे हमने कोई भी क्या लिया, हमने पेस्ट यूज किया, पेस्ट में जैसे उसमें क्या होता है, बेस होता है, बेसिक सॉल्यूशन होगा, तो वो क्या होता है, हमारे टूथ को डिके होने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, तो अगला टॉपिक है हमारे पास सेल्फ डिफेंस, यानी जो पेड़ पौधे हैं और जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस से कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कुछ, जैसे हनी बी है या फिर आंट है, तो उनके बारे में डिस्कस किया गया। आंट होगा तो ये क्या करती है, इसमें एक कहीं पर आंट ने अगर आपको बाइट किया तो उसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड क्या करती है, इंजेक्ट करती है, ठीक है, फॉर्मूला देखेंगे तो HCOOH, तो ये मिथेनोइक एसिड है। तो आंट स्टिंग हो गया, अब बी स्टिंग होगा तो उसमें भी क्या होता है, एसिड जाता है हमारी बॉडी के अंदर। वैसे जो नेचर है उस नेचर में क्या होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं जो क्या होते हैं, उन जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम किसकी बात करें, नेटल लीफ की बात करें, तो नेटल लीफ में भी क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, नेटल लीफ, तो
नाइट्रेट लीफ में भी क्या होगा, मिथेनोइक एसिड होगा जो क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो कुछ नेचर में क्या है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो एसिड और बेस का जो इफेक्ट होगा उसको क्या करता है, न्यूट्रल करते हैं। तो एक दूसरे को से क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। नहीं तो क्या होगा, जो बड़े जानवर है वो छोटे जानवरों को कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए क्या करता है, उनमें खुद ही कुछ केमिकल का सिक्रेशन होता है जो उनकी बॉडी को क्या करता है, उन बड़े जानवरों से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास मोर अबाउट सॉल्ट, जिसमें फैमिली ऑफ सॉल्ट्स को दिखा रखा है। फैमिली ऑफ सॉल्ट में यहां पर जैसे हमने NaCl लिया, KCl लिया, MgCl2 लिया है। तो इसमें देखो Cl, इसमें भी Cl, इसमें भी Cl, तो ये क्या है, Cl सब में कॉमन है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्लोराइड फैमिली। इसे क्या बोलेंगे हम, क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट। तो NaCl, KCl, MgCl2 क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट है। वैसे हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर तो अनाइन सेम थे, अनाइन मतलब जो बेसिक रेडिकल, इसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल दो है, तो हमारे पास क्यों जो अनाइन था वो अनाइन क्या सबके साथ सेम है। वैसे हमारे पास कुछ कम ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे NaCl लिया हमने, NaNO3 लिया, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो कटाइन क्या है, सब में एक जैसा है। तो इसे क्या बोलते हम, सोडियम सॉल्ट। इसे क्या बोलेंगे हम, सोडियम सॉल्ट। तो हमारे पास कौन सा, सोडियम या पोटेशियम या कैल्शियम जो भी होंगे, तो उनके हिसाब से यहाँ पर सॉल्ट की कैटेगरी की गई है, ठीक है। उसके कौन सा सॉल्ट होगा, कटाइन वाला पार्ट होगा या एनायन वाला पार्ट, डिस्कस होगा। अगला हमारे पास है पीएच ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट की बात करेंगे तो पीएच, जो गिवन सॉल्ट है उसका पीएच कैसे होगा, तो इसको हम पहले बता चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा तो उसका पीएच कितना होगा, 7। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होगा तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से थोड़ा सा कम होगा। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा तो उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। अगला टॉपिक हमारे पास केमिकल फ्रॉम सॉल्ट, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पर दिया गया हमें NaCl। अगला जो टॉपिक हमारे पास वो क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड। याद होगा यहाँ पर दांडी यात्रा जो थी गांधी जी की, जो हमारा फ्रीडम फाइटर थे, तो उसमें सबसे पहले ये जो था NaCl को वहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी तो उसमें इसका डिस्कस किया गया। तो NaCl क्या हमारे पास कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट के नेम से भी इसको जाना जाता है। इसका उपयोग हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन में इसका बनाने के लिए इस केमिकल का यूज करते हैं। तो NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O इज इक्वल टू क्या बनता है हमारे पास, NaOH प्लस NaCl प्लस H2O इज इक्वल टू NaOH प्लस HCl। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बनेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं इसको हम। तो कॉस्टिक सोडा क्या हमारे पास एक दूसरा प्रोडक्ट है, केमिकल है, ठीक है। इसका भी इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप से यूज किया जाता है। तो ये क्या हमारे पास, सोडियम क्लोराइड को हमने कैसे वाटर से रिएक्शन किया, तो NaOH बनाया और HCl बनाया। तो ये इसे क्या होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें NaCl को अगर हम तोड़े तो NaCl इज इक्वल टू क्या बनता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसको हमने NaOH किया, वैसे हम H2O को NaOH करेंगे तो H2O को NaOH करने के बाद क्या बनाते हैं हम, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। एनोड और कैथोड की रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या निकलता है, एनोड पे क्लोरीन गैस निकलेगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज की जाएगी, ठीक है। तो ये ढंग से क्या होगा हमारे पास, क्लोर एल्कली प्रोसेस में तीन प्रोडक्ट बनते हैं, एक NaOH बनेगा, एक Cl2 निकलेगी और एक हमारे एक Cl2 निकलेगी और एक क्या निकलेगा हमारे पास, H2। तो ये क्या हमारे पास, क्लोर एल्कली जो है प्रोसेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। अगला हमारे पास प्रोडक्ट है ब्लीचिंग, जो टॉपिक है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम अगर हम केमिकली नाम बोले तो इसे बोलते हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को केमिकली क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हमारे पास, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम किसके साथ, जो हमारे पास क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस HCl से रिएक्ट कराएंगे तो तब जाइए क्या होगा हमारे पास, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्लोरीन से इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस H2। तो ये क्या हमारे पास इसका प्रोडक्ट है कैल्शियम, इसे क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअल में इसका कंपोजिशन अलग है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, वाटर मॉलिक्यूल भी इसके साथ मिक्स होता है, लेकिन कैल्शियम का हाइपोक्लोराइड भी कहलाता है। तो फिलहाल जो यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या होगा, CaOCl2। तो ये क्या हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर होगा। अगला जो टॉपिक हमारे पास वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसे क्या बोलते हैं हम, खाने वाला सोडे के नाम से भी इसको जाना जाता है। केमिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
केमिकली अगर इसकी बात करें तो क्या होगा अपने पंप में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, क्या हमारे पास NaHCO3 बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। इसको जो प्रिपेयर किया था वो किया था हमारे पास NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया। तो ये क्या है, इसका रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल को आपस में क्या करेंगे, हम रिएक्ट कराएंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये क्या हमारे पास जो बेकिंग सोडा है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका प्रोडक्ट होगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया टू गिव NaCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अभी जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसके अलग अलग तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो जो बेकिंग बेकरी के जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो बेकरी के प्रोडक्ट में इस कंपाउंड का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि केक बनाना है या कुछ हमें क्या बनाने हैं, पेस्ट्रीज बनानी है या कुछ भी, जैसे छोले भटूरे बनाने, तो उसमें इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं तो वो क्या कर देते हैं, थोड़ा सा सब्सटेंस को फ्लफी कर देता है, ठीक है। या फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस कंपाउंड का यूज किया जाता है। दूसरा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या बोलता हम, Na2CO3.10H2, इसे वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट के नेम से जाना जाता है। इसको अगर हम बनाने की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को अगर हम गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडा को गर्म करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, Na2CO3, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ पर अलग किया जाएगा, ट्वाइस मॉलिक्यूल लेंगे हम, ठीक है, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा यहाँ पर, CO2 क्या होगा यहाँ से अलग किया जाएगा। तो ये क्या हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने के बाद हमारे पास वॉशिंग सोडा बनेगा। अभी Na2CO3 है तो Na2CO3 डॉट प्लस ये एटमॉस्फेयर से क्या लेगा, वाटर मॉलिक्यूल को लेगा, तो इसके साथ क्या होंगे, 10 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो वॉशिंग सोडा, ठीक है, तो ये हमारे पास वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2। अगला जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे क्या बोलते हैं हम, POP के नेम से जाना जाता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, POP, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको जो बनाया जाता है वो जिप्सम से बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें जो है हमारे पास CaSO4.2H2, कैल्शियम सल्फेट का 2 मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके साथ अटैच होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, जिप्सम। तो जिप्सम को क्या करता है, हम गर्म करते हैं, तो जिप्सम को गर्म करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O। तो इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, ठीक है, हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या है, यहाँ पर आधा मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड है, तो तब जाके इसको हमने क्या बोला, हेमीहाइड्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना, 373 केल्विन, 373 केल्विन हम यहाँ पर टेम्परेचर रखते हैं, 393 केल्विन भी लिखा रहता है कहीं पर, ठीक, किसी बुक में 393 केल्विन टेम्परेचर भी लिखा हुआ है। तो इस टेम्परेचर पर हम गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CaSO4.5H2। तो हमारे पास क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम फिर वाटर से रिएक्शन कराते हैं, CaSO4.5H2O प्लस वाटर मॉलिक्यूल, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, वापस जिप्सम बन जाएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, CaSO4.2H2O, ठीक है। तो वापस क्या बन जाएगा, जिप्सम। और इस जिप्सम का उपयोग हम किस में करते हैं, जो बोन फ्रैक्चर्ड होते हैं, बोन फ्रैक्चर्ड या स्टैचू या फिर कुछ अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाने होंगे तो उसमें इसका यूज किया जाता है। थैंक यू।